अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लेंसेज। लेंस, अ लेंस इज एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अ लेंस इज एनी ट्रांसपेरेंट पेरेंट मटेरियल। हैविंग टू सर्फसेज, having two surfaces। lens वो कोई भी transparent material होगा जिसकी दो surfaces हों, of which at least one is curved, at least one is curved। लेंस के मुतालिक, अ लेंस इज यानी ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लेंस कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा हैविंग टू सर्फसेज, जिसकी दो सर्फसेज होंगी, दोनों सर्फसेज में से कोई एक कर्व हो, चाहे दोनों कर्व हो जाएं फिर भी लेंस ही रहेगा, दोनों में से कोई एक तो होनी चाहिए तो वो लेंस कहलाएगा। कर्व से मुराद सीधी ना हो, जिस तरह ये कर्व है, ये कर्व है, यूं ये भी एक कर्व है, ये कर्व है। कर्व से मुराद सीधी ना हो, यानी उसमें खम हो, खमीदगी हो, ये खम है, इसमें सीधी नहीं है, यहाँ पे भी खम है, यहाँ पे भी खम है, यहाँ पे भी खम है, इसे कर्व बोलते हैं, जहाँ पे खमीदगी हो, सीधी ना हो। तो लेंस कहता है अ लेंस इज यानी ट्रांसपेरेंट मटीरियल, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटीरियल होना चाहिए, यानी यहाँ से लाइट गुजर जानी चाहिए, लेंस में से लाइट गुजरेगी, लेंस में से लाइट गुजरेगी तो इमेज बनेगी, इमेजेस बनानी है बाकायदा, गुजरेगी लाइट तो फिर इमेज बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। एक चीज़ याद रखनी है हमने कि जब इमेज बनी थी किसकी वजह से, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, एक साइड जिसकी ओपेक थी और दूसरी ट्रांसपेरेंट थी, यानी इन केस ऑफ मिरर, इन केस ऑफ मिरर, मिरर वाले केस में इमेजेस बनती हैं, इमेज इज फॉर्म्ड बनती है ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की वजह से इमेजेस बनती हैं, कहाँ, मिरर में, लेकिन लेंसेज में रिफ्रैक्शन की वजह से बनती हैं। इन केस ऑफ लेंसेज इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन, मिरर में रिफ्लेक्शन की वजह से इमेजेस बनती हैं और लेंसेज में रिफ्रैक्शन की वजह से इमेजेस बनती हैं। तो लेंस क्या होता, कोई भी वो मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसकी दो सर्फसेज होंगी, फिर दोनों में से कम से कम एक ऐसी सरफेस हो जो कि सीधी ना हो, यानी वो कर्व सरफेस हो, सीधी ना हो, खमीदगी हो उसमें, उसे हम बोलेंगे लेंस। बिल्कुल सीधी ना हो, उसकी दो सर्फसेज होंगी, दो सर्फसेज कन्फर्म है, यानी यूं भी एक कोई लेंस हो सकता, दो सर्फसेज हैं, एक ये यूं लेंस हो सकता, दो सर्फसेज हैं, एक ये और एक ये, यूं मुख्तलिफ किस्मों के लेंसेज हम पढ़ेंगे। लेंस की कई टाइप्स हैं, अभी तक पढ़ा लेंस क्या होता, कोई भी मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसमें से लाइट गुजर सके, ये ना हो कि रिफ्लेक्शन हो बल्कि गुजर जाए, आगे रिफ्लेक्ट कर जाए, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसकी दो सर्फसेज हों और दोनों में से कम अज़ कम एक ऐसी सर्फस हो जो कि कर्व्ड सर्फस हो, उसको हम लेंस का नाम देंगे। फिर लेंसेज में इमेजेस किस प्रिंसिपल पे बनेगी, रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे बनेगी। टाइप्स ऑफ लेंसेज, लेंसेज की किस्म, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज ऑफ लेंसेज, लेंसेज की कई किस्म है मुख्तलिफ। लेंसेज यूज़ कहाँ पे होते हैं, इसका इस्तेमाल भी वसी है, कैमरे में यूज़ होते हैं, आई ग्लास, माइक्रोस्कोप, टेलीफोन, प्रोजेक्टर्स, यूजेस
आई ग्लास, प्रोजेक्टर, कैमरास, ये यूज़ होते हैं लेंसेज, टेलीस्कोप में यूज़ होते हैं। टाइप्स ऑफ लेंसेज, लेंसेज कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, लेंसेज इस्तेमाल हुए, ये यूजेज आ गए, आई ग्लास, प्रोजेक्टर, कैमरास, और मैंने बताया अभी टेलीस्कोप में भी ये यूज़ होते हैं। टेलीस्कोप लेंसेज को यूज़ करते हुए कई लाखों लोग इसकी वजह से देख पाते हैं लेंसेज को यूज़ करते हुए। टाइप्स आ गई, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ लेंस जो होते हैं सेंटर से मोटे होते हैं यानी थिक, और एजिस से थिन होते हैं, सेंटर से थिक और एजिस से थिन होते हैं यानी पतले होते हैं। वो लेंस जो कि सेंटर से मोटे हों यानी थिक हों और एजिस से थिन हों, उनको हम लेंस को नाम दे देते हैं कन्वेक्स लेंस। ये लेंस कन्वेक्स लेंस है और इसको एक और नाम भी दिया जाता है, वो कौन सा, कन्वर्जिंग लेंस का। कन्वर्जिंग लेंस या इसको नाम दिया जाता है कन्वेक्स लेंस का, कन्वेक्स लेंस भी इसी को कहते हैं और कन्वर्जिंग लेंस भी इसी को कहते हैं। और एक लेंस और है, वो लेंस जो कि एजिस से ऊपर वाले सरों से मोटे होंगे, सेंटर पे पतले होंगे, यानी इसका उलट। यहाँ पे सेंटर में मोटे थे, आउटर एजिस जो थे बाहर वाले वो पतले थे, यहाँ पे ये थिक है, थिक सेंटर पे, इधर थिन है, इसमें उल्ट है, इसमें सेंटर में थिन है पतला और एजिस पे थिक है। इस लेंस को कहेंगे कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। इसका भी एक और नाम है डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ये कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ये कनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस में यूं लग रहा होता कि लाइट जो है किसी पॉइंट से, एक पॉइंट से जो है निकल रही है, डाइवर्ज हो रही है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, बल्कि पैरेलल रेज होती हैं जो कि डाइवर्ज होती हैं, फैलती हैं। यूं नहीं होता कि किसी एक पॉइंट से, लग यूं रहा होता है कि ये किसी एक पॉइंट से निकल रही हैं, इसलिए इसे डाइवर्जिंग कहते हैं। और कन्वेक्स में यूं लगता है कि ये एक पॉइंट पे मिल रही हैं और मिलती हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कनकेव को डाइवर्जिंग, कनकेव को डाइवर्जिंग इसलिए कहते हैं कि लगा यूं कि किसी पॉइंट से ये रेज निकल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कन्वेक्स में वो रेज ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पे जाके मिल रही होती हैं, तो इसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अब देखते हैं कि किस तरह लाइट रेज कन्वर्जिंग लेंस में जाके मिलती हैं और डाइवर्जिंग लेंस में जाके फैलती हैं, इसके मुतालिक पढ़ते हैं। पहले कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस कौन सा होता, वो लेंस जो सेंटर में थिक हो और थिन हो एजिस पे, थिक सेंटर पे और थिन हो एजिस पे, इसे बोलेंगे कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस। इसका एक और नाम कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। इसे कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, वजह क्या कि ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। यूं लाइट रेज पैरेलल थी इस लेंस में, यूं जाके टकराई, टकराने के बाद जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होनी है लेंस में, पहले बताया लेंसेज में रिफ्रैक्शन होगी, ये रेज किसी एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं, तमाम की तमाम रेज एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी। जब एक पॉइंट पे मिलेंगी तो यहाँ पे इमेज बनेगी,
कब? कन्वेक्स लेंस में। कन्वेक्स लेंस में ये रेज जो थी मिली किसी एक पॉइंट पे जाके, जिस पॉइंट पे मिलेंगी वहाँ पे इमेज बन जाएगी, ये कन्वर्ज कर रही हैं इस पॉइंट पे, तमाम की तमाम रेज कन्वर्ज कर रही हैं। कन्वर्ज करने की वजह से ही इसे कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। लाइट रेज पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, टकराई, टकराने के बाद एक पॉइंट पे मिल गई, जहाँ पे मिली, मिलने के बाद वहाँ पे इमेज बन गई, इसलिए हम कहेंगे ये कन्वर्जिंग लेंस है। क्यों? क्योंकि रेस कन्वर्ज कर रही हैं। लेकिन इन केस ऑफ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस वाले केस में, कनकेव लेंस वाले केस में वो लेंस जो के सेंटर में थिन हो, पतला और एजिस पे थिक हो, यानी ये यूं, इस केस में लाइट रेस पैरेलल थी, टकराई जाके, यूं ये जाके टकराई, टकराने के बाद ये रे इस तरफ चली गई, ये इस तरफ, यूं यूं, इन्होंने मुख्तलिफ डायरेक्शन फॉलो की, कोई किस तरफ जा रही है, कोई किस तरफ जा रही है। अब लगा यूं कि ये पीछे से एक पॉइंट है जहाँ से ये तमाम रेज आ रही हैं, जिस तरह ये वाली रे इस पॉइंट से, ये वाली रे भी इस पॉइंट से, ये वाली रे इस पॉइंट से, ये इस पॉइंट से, और ये वाली रे जो है इस पॉइंट से। लगा यूं कि इस पॉइंट से पीछे कहीं एक पॉइंट है जहाँ से ये रेज तमाम की तमाम आ रही हैं, लेकिन एक्चुअली में तो यूँ नहीं था, एक्चुअली में तो ये रेज पैरेलल थी, फिर रिफ्रैक्शन हुई, फैल गई। लगा यूं कि पीछे कोई पॉइंट है, उनमें से ये रेज जो हैं निकल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्यों डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं? इसीलिए कि यहाँ से लगा यूं कि इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं, निकल रही हैं, फैल रही हैं इस पॉइंट से, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। कनकेव लेंस कौन सा होगा? वो लेंस जो कि सेंटर से पतला और एजिस पे मोटा होगा, यानी सेंटर पे थिन होगा और एजिस पे थिक होगा, उसको बोलेंगे कनकेव। और वो जो सेंटर में थिक हो और एजिस पे थिन हो, इसको हम बोलेंगे कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग बोलते हैं और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। यहाँ पे रेज जो थी कनकेव में डाइवर्ज हो रही हैं, इस पॉइंट से निकल रही हैं, लग यूँ रहा है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग। लेकिन कन्वेक्स में तमाम रेज एक पॉइंट पे जाके सिमट गई, मिल गई, इसीलिए कन्वर्ज हो गई, इसीलिए इसे कहते हैं ये कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वेक्स और कनकेव जो है ये डाइवर्जिंग लेंस है, के डाइवर्ज हो रही हैं किसी पॉइंट से वो रेज, लग यूं रहा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक लेंसेज, जिसमें हमने लेंसेज पढ़ा, इसकी टाइप्स पढ़ी, यूजेज पढ़े। टाइप्स में कन्वेक्स और कनकेव लेंस पढ़ा, कन्वेक्स को कन्वर्जिंग और कनकेव को डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। चलें जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।